नमस्कार दोस्तों, आज के बैंक निफ्टी एनालिसिस की इस वीडियो में मैं सीएम पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। ये वीडियो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के आसपास आपके पास आएगा। तो आज होने वाली है बैंक निफ्टी एक्सपायरी। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी को हम किस तरह से प्लान करेंगे, किस लेवल पर ट्रेड करेंगे और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर अभी के अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंटेंट हम आपके लिए बना रहे हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कल के दिन, मतलब कि ट्यूसडे के दिन, बैंक निफ्टी ने 104 पॉइंट्स के एक पॉजिटिव नोट के साथ, 0.24% के पॉजिटिव मूव के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है। देखो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, आज की वीडियो में भी कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अपना डायरेक्शन खो चुका है। और आप पिछले 3 दिन की कैंडल देखिए, डेली चार्ट है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो बिल्कुल डेली चार्ट है। डेली चार्ट पिछले 3 दिनों का देखो तो आपको पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी हैज लिटरली लॉस्ट इट्स मोमेंटम, राइट। अगर आप फ्राइडे का कैंडल देखो, एक डोजी कैंडल था जो बेरिशनेस ज्यादा था क्योंकि ऊपर की तरफ विक लंबा था। कल का कैंडल एक टिपिकल डोजी कैंडल, आज गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद नीचे क्लोज हुआ और कहीं ना कहीं एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे जाके आज हमें बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है। तो चलिए लेवल मार्किंग कर देते हैं, क्योंकि एक्सपायरी हो या कोई भी दिन हो, हमारे लिए कुछ अगर सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वो है हमारे लेवल्स। हम हमारे लेवल के ऊपर ट्रेड करते हैं और इन लेवल के ऊपर ही हम ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, लेवल्स मार्किंग शुरू करते हैं। देखिए, 3 चीजें आपको एज ए इंट्राडे ट्रेडर कभी नहीं बोलनी है। एक, आज का हाई। तो अगर आप यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में जो आज का हाई बनाया, विच इज 43,790, तो इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूं। आज का जो लो बना है, विच इज 586, सो ये जो एक्चुअली कल का क्लोज है उसी के आसपास ही आज का लो बना है, और आज का जो क्लोज आया है विच इज 689। तो आप इन इन चीजों को भी देख सकते हो कि 43,586 के ऊपर लो है, 689 के ऊपर क्लोज है और 790 के ऊपर क्लोज है। 200 पॉइंट की रेंज एकदम मिडल में जाके बैंक निफ्टी ने बंद किया। एकदम आप सेंटर पॉइंट पकड़ लो ना, तो सेंटर पॉइंट पे जाके निफ्टी ने बंद दिया है। तो यहाँ पे अगर यू नो, एक एक थियोरी मैं आपको बताऊं, दिस थियोरी इज कॉल्ड एज मीडियन थियोरी। मतलब कि पूरे दिन का रेंज का थियोरी, ध्यान समझना, पूरे दिन के रेंज का 50% से आपको एक ट्रेड मिल सकता है, विच इज अ गुड साइन। सो मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, बहुत ध्यान समझना, क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने जो क्लोज दिया है, मतलब कि ट्यूसडे के दिन कल बैंक निफ्टी ने जो क्लोज दिया है, दैट इज एग्जैक्टली एट अ मीडियन पॉइंट। इसका जो लो है विच इज 43,586, हाई है विच इज 43,790, उसका मीडियन पॉइंट आएगा 43,680-690, मतलब एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज दिया हुआ है। सो अगर मीडियन पॉइंट से फ्लैट ओपन हो गए, थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप वहां पे एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दैट मीडियन पॉइंट, राइट। तो ये थियरी जरा ध्यान रखना और कल आप इस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। अगर फ्लैट ओपन होके थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है तो 43,792, मतलब कि 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए आप उसे प्लान कर सकते हो। देखो हम बड़े टारगेट्स प्लान नहीं कर रहे बैंक निफ्टी में, क्योंकि जिस तरह से बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा है, कोई बड़े ट्रेड लेना या बड़े टारगेट्स लेना थोड़ा डिफिकल्ट हमारे लिए यहाँ पे हो रहा है। अगर 43,792 ब्रेक करता है तो फिर अगला और इम्पोर्टेंट लेवल जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 43,873। उसके बाद 43,969 पे एक लेवल मिल रहा है, बट ठीक है, मैं वहां पे 30 पॉइंट थोड़ा प्लस करके 44,000 के बिग राउंड नंबर के ऊपर एक रेजिस्टेंस प्लान कर रहा हूं। और उसके बाद यहाँ पे 44,050, जो मैं मेरे पहले के वीडियोस में भी काफी बार बता चुका हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए रहेगा। अगर 44,054 या उस लेवल को पार कर जाता है तो फिर हम 44,170 के लेवल को प्लान करेंगे। 44,170 के बाद नेक्स्ट मेरा प्लानिंग रहेगा 44,265 या तो 270 के आसपास का कोई लेवल रहेगा हमारा प्लानिंग। और उसके बाद यहाँ पे जो रीसेंट हाई बना हुआ है विच इज 44,410, देखिए कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल प्लेन स्ट्रेटजी है कि यहाँ पे स्विंग हाई दिखा, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, यहाँ पे बहुत सारी कैंडल के सिमिलर लो मिले वो लेवल मैंने मार्क कर लिया,
बहुत सारी कैंडल के सिमिलर हाई मिले वो मैंने मार्क कर लिया। और यहाँ पे देखिए, एक ये दो ये तीन कैंडल का मुझे हाई मिला तो मैंने उसको मार्क कर लिया। गाइस, आर यू फाइंडिंग इट सिंपल एंड ऑसम? तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स सिंपल एंड ऑसम, राइट? थोड़ा लंबा टाइप कीजिए, अर्ली मॉर्निंग का वक्त है, आप भी फ्रेश होंगे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए अगर आपको ट्रेड करना है, इतनी मेहनत तो करनी होगी, इस वीडियो में कमेंट लिखना होगा सिंपल एंड ऑसम। देखिए, लेवल्स मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए लेवल सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अगर मैं मेरा कोई ट्रेड प्लान करता हूँ, देन आई प्लान ऑलवेज नियर टू माई लेवल, और जब तक लेवल पे आके मुझे अच्छा ट्रेड नहीं मिलता है, तब तक मैं शांति से बैठा रहता हूँ। मैंने कल ट्यूजडे को भी कोई ट्रेड नहीं लिया था, उसके पहले मंडे को भी कोई ट्रेड नहीं लिया था। सो अगर आपके जहन में ये ख्याल आ रहा है कि यार अमित, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो हमें क्यों नहीं मिल रहा, आप बहुत बड़े लॉसेस कर रहे हो क्या? नहीं माय डियर, कोई ट्रेड ही नहीं मिल रहा है। मार्केट इतना चॉपी हो चुका है कि ट्रेड लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। इसके लिए मैं आपके लिए पीएनएल का वीडियो नहीं बना रहूंगा। जब भी ट्रेड लूंगा, वादा करता हूँ आपके लिए पीएनएल का वीडियो पक्का बनाऊंगा। चलिए, अब अगर 43,689 से डाउन साइड की तरफ जाता है, तो पहला टारगेट हम 100 पॉइंट का लेके आज के लो के आसपास, मतलब के 43,586 के आसपास का प्लानिंग हम कर सकते हैं। अगर 43,586 ब्रेक करता है तो बट नेचुरली एक प्राइस एक्शन थ्योरी का राउंड नंबर के हिसाब से 43,500 का एक सपोर्ट हमें वहां पे मिल सकता है। तो उन लेवल को जरा हम ध्यान में रखेंगे, 43,500 के लेवल को, जो एक नेचुरल सपोर्ट बन के डेफिनेटली बाहर आएगा ही आएगा। अगर 43,500 ब्रेक कर जाता है तो फिर आप 43,410 का प्लानिंग लेके चलो। देखिए, यहाँ पे एक स्विंग लो बना हुआ है, यहाँ पे तीन चार कैंडल के सिमिलर लोज है, तो वहां पे मैं मार्क करता हूँ। उसके बाद मेरा सीधा प्लानिंग रहेगा 43,289। देखिए, लॉजिक समझिए, बहुत ही सिंपल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए, इतनी सारी कैंडल के लो बहुत सिमिलर मिल रहे हैं, तो ये एक सपोर्ट बन गया। दैट इज द सिंपल थिंग, राइट? आप इन सिंपल चीजों को सीखो, प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली आप इसमें मास्टर बन जाओगे, मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ, राइट? फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग लो बना हुआ है 43,226 के आसपास। उसके बाद 43,286 के बाद, जस्ट 1 मिनट गाइस, फिर हम यहाँ पे ये 43,089 के आसपास एक लेवल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग लो जैसा छोटा सा बना हुआ है। और उसके बाद ऑब्वियसली जो बिग राउंड नंबर 43,000 का रहेगा, उसके आसपास हमें एक सपोर्ट मिल सकता है। तो कल की बैंक निफ्टी एक्सपायरी में आप इस लेवल को ट्रेड कर सकते हैं, इस लेवल को प्लान कर सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया, एक मीडियन पॉइंट थ्योरी के हिसाब से आप वहां पे अगर फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा ऊपर के साइड प्लान कर सकते हो, अगर डाउन हो जाता है तो थोड़ा रेंज बनने देना, प्राइस एक्शन होने देना। मतलब अगर फ्लैट ओपन होके डाउन साइड जाने की कोशिश करता है, तो हमारी आइडियल प्रायोरिटी ये रहेगी कि यहाँ पे फ्लैट ओपन होके थोड़ी रेंज बनाए, और फिर अगर ये रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो आप 43,586 और 43,500 तक के टारगेट लेके चल सकते हो बैंक निफ्टी में। तो ये होगी हमारी आज के लिए बैंक निफ्टी एक्सपायरी स्ट्रेटेजी। आई होप यू लर्न समथिंग पावरफुल। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।